इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का आवेदन कैसे दे सकते हो ऑनलाइन। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तीन लेवल्स पे बनाए जाते हैं, डीएम लेवल पे, एसडीओ लेवल पे और एक आरओ लेवल पे। अगर आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डीएम लेवल या एसडीओ लेवल पे बनाना है तो आपके पास एटलीस्ट आरओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग आरओ लेवल पे पहले अपना सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग एसडीओ और डीएम लेवल पे बातें करेंगे। सबसे पहला आपको गूगल क्रोम का ऐप खोल लेना है और यहाँ आपको कीवर्ड सर्च करना है RTPS। मैं सर्च करता हूँ, यही कीवर्ड आपको भी सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे आपको बहुत सारे साइट्स आ जाएंगे, आपको RTPS बिहार पे क्लिक करना है, RTPS.bihar.government.in कुछ इस तरीके का साइट उसके बाद आपके पास खुलेगा। आपको इस साइट में जाना है और यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रहा होगा serviceonline.bihar.government.in, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आपको ये वाला साइट खुल जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन करना है। ये हिंदी में है, मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है, आपको सिंपली यहाँ लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक प्रोसीड टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें सबसे ऊपर लॉगिन आईडी आपको डालना होगा, नीचे ओटीपी या पासवर्ड डालना होगा। अगर आप इस साइट पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली इसे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिड नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपना फुल नेम यहाँ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मेल लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे एक पासवर्ड ऐसा चूज करना है जो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें एक अपर केस एक लोअर केस साथ ही में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। वो बनाकर आप लोग ये सबमिट पे क्लिक जैसे ही करोगे आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा, अपना मेल और अपना फ़ोन नंबर, एक ओटीपी, दोनों पे एक एक ओटीपी जाएगा, आपको सिंपली वेरीफाई करना है तो आपका जो मेल और जो फ़ोन नंबर होगा वो लॉगिन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है तो मैं सीधा लॉगिन करूँगा, मैं इसे फिलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे जब वेरीफाई आपका हो जाए तो आप यहाँ पे या तो अपना नंबर डाल सकते हो या फिर मेल डाल सकते हो और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि वहाँ पे आपने क्रिएट किया था। तो मैं सिंपली अपना मेल से लॉगिन कर देता हूँ, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ कैप्चा में ये वाला फिल करना है सेम टू सेम और उसके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का साइट आपको अपीयर होने वाला है, आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लोडिंग लेने लगेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ सर्च पर आकर रेसिडेंस टाइप करना है। रेसिडेंस जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे तीन तरीके का रेसिडेंस आप इशू कर सकते हो, एट आर ओ लेवल, एट डी एम लेवल और एट एच डी ओ लेवल। एस डी ओ और डी एम लेवल बनाने के लिए आपको आर ओ लेवल पे एटलीस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे एट आर ओ लेवल। उसके बाद यहाँ आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाएगा जिसमें आपको यहाँ जेंडर चूज करना है, यहाँ पे अपना सैल्यूटेशन चूज करना है, आप मिस्टर हो या मिसेस हो, यहाँ पे अपना नाम होगा, यहाँ पे आपके पिता का नाम होगा, यहाँ पे आपकी माता का नाम होगा और यहाँ पे हस्बैंड का नाम होगा। अगर आप एक शादीशुदा लड़की हो तो यहाँ पे आपके हस्बैंड का नाम होगा, वरना ये कॉलम आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना मेल डालना है, यहाँ पे आपको एड्रेस का स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सब डिवीजन डालना है, ब्लॉक डालना है, अगर वार्ड नंबर आपका है तो वार्ड नंबर डाल सकते हो। यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आप कहाँ रहते हो, टाउन में रहते हो, विलेज में रहते हो या कोई और ऑप्शन है। यहाँ पे आपको अपने टाउन या विलेज का नाम फिल करना पड़ेगा, यहाँ पोस्ट ऑफिस फिल करना पड़ेगा, यहाँ पुलिस स्टेशन फिल करना पड़ेगा और यहाँ आपको पिन कोड फिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक फाइल अटैच करना पड़ेगा जिसमें आपका फोटो होना चाहिए और फोटो पे अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपने खुद से सिग्नेचर कर रखा होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके का फोटो आपको डालना है। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा, अगर आप नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा पर डाल देना तो अच्छी बात है। और उसके बाद पर्पस ऑफ दिस एप्लीकेशन आपको फुलफिल करना है, अस्थाई आपका रेसिडेंस का टाइप फिल करना है कि आप किराए पे रहते हो तो अस्थाई, अगर आपका अपना घर है तो अस्थाई। उसके बाद आपको सिंपली वहाँ आई एग्री करके यहाँ पे आपको देना है कि आप कौन से ऑफिस पे अप्लाई करना चाहते हो और उसके बाद आपको सिंपली ये वाला कैप्चा फिल करके इसे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मैं फटाफट से सारे कॉलम पहले फिल कर लेता हूँ फिर बताता हूँ कि आगे के स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा।
मैंने सारे ब्लॉक्स को फिल कर दिए। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ एड्रेस में आपको ब्लॉक न ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन स्टेट डालना है। उसके बाद आपको चूज करना है इनमें से नवादा मेरा म्यूनिसपैलिटी है, और वहाँ पे आपको नाम भी देना पड़ेगा जो भी आप चूज करोगे। अगर आप टाउन पंचायत चूज करोगे तो टाउन पंचायत का नाम आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद विलेज या टाउन का नाम देना है, उसका पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन का नाम देना है, यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अटेस्टेड फोटोग्राफ डालना होगा, जैसे मैं दिखाऊँ ये फोटो, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे साइन किया हुआ है अपना। और साथ ही साथ ये जो है इस फोटो की साइज 350 KB से कम की होनी चाहिए। अगर फोटो की साइज आपको कम करनी है तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे आधार नंबर उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको रेसिडेंस चूज कर लेना है, यहाँ पे उद्देश्य चूज कर लेना है, और यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये अप्लाई टू द ऑफिस ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको वर्ड वेरिफिकेशन करके यहाँ प्रोसीड कर देना है। अगले स्टेप में आपने जो फिलअप किया था फॉर्म, उसे आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे। आपको सिंपली वो सारे कॉलम्स को वेरीफाई करना है कि आपने सही फिल किया या नहीं। अगर आपने कुछ गलत फिल किया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी वेरीफिकेशन के वक्त, तो आप इसे सिंपली चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ अटैच एनेक्सेस से आपको कुछ अपना डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ, ये वेरिफिकेशन में काम करेगा, इसके बिना आपका ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली दस्तावेज सेलेक्ट कर लेना है आधार कार्ड, और यहाँ पर से फाइल को चूज कर लेना है आधार कार्ड को, मैं यहाँ से चूज कर लिया। अगर आपको आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी बनाना नहीं आता है तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आधार कार्ड को सॉफ्ट कॉपी कैसे बनाया जाए। बाकी आपको यहाँ पे सेव अनेक्चर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, बस इतना ही स्टेप था। मतलब कि आपको दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, एक आपका अटेस्टेड फोटो और दूसरा आपका आधार कार्ड आपको लगने जा रहा है। सो आप इन दोनों की ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी पहले ही बना लेना, ताकि अपलोड करने में दिक्कत नहीं हो। अप्लाई करने के बाद आपको 10 दिन तक वेट कर लेना है। 10 दिन के बाद आपको ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वाले एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एक्सपोर्ट टू PDF, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको डाउनलोड करने के लिए। होप सो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो, और अगर कमेंट करने जा रहे हो तो बीच में आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उसे भी दबा सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।